2019 के चुनाव आज रिजल्ट आ चुका है और लोगों का उत्साह देखने को नहीं बन रहा है। लोग इतने खुश हैं कि उन्होंने पटाखे, जलेबियां और मिठाइयां बांटी हुई हैं। बहुत दिनों के बाद 2014 के बाद ये खुशी दोबारा मिली है। 2019 में भी मोदी सरकार आ चुकी है। मेरा नाम फूलचंद उबाले है, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिले का सचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी से पिछले 26 सालों से मैं जुड़ा हूँ यहाँ पर। क्या कहेंगे इस भारी बहुमत के साथ जीत का? जी बिल्कुल, ये देशवासियों की और राष्ट्र भक्तों की जीत है। ये जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर विरोधी पक्षियों ने चोर चोर चौकीदार चोर बोलकर कहा था और इस देश की जनता ने उन्हें जवाब दिया है कि चौकीदार प्योर है, चौकीदार देश की रक्षा करेगा और कोई यहाँ पर आग उठाकर देखेगा तो उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक भी करेगा। इस तरह से जो हमारा प्रधानमंत्री जो है, आज देश के अंदर लोगों ने उनके ऊपर विश्वास बताया कि देश उनके हाथ में सुरक्षित है। इसीलिए आज हम सब यहाँ पे कार्यकर्ता लोग यहाँ पे जल्लोष कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे, पूरे देश में खुशियाँ का वातावरण है। देखिए आप, हम सब लोगों ने यहाँ पे पटाखे फोड़ कर और जलेबी बांट कर हम लोगों ने सब लोगों का मुंह मीठा किया हुआ है और एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें इसके लिए बहुत ही बहुत खुशी है और देश की जनता का भी हम धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहेंगे, दोबारा मोदी लहर आ चुकी है? हाँ, नमस्कार, मेरा आलोक रंजन विश्वकर्मा नाम है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। मोदी जी का बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं क्योंकि क्या है, इतना बड़ा लोग सब विपक्षी पक्ष इकट्ठा होने के बाद भी हमारे मोदी जी ने सारे लोगों को तोड़ जवाब दिए हैं और इतना फुल बहुमत से अपना प्रचंड बहुमत से अपना पार्टी बनाई और इतना पाकिस्तान ने इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर हमला करता है उसका स्ट्राइक करके जवाब दिया है, उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और ऐसे ही हम लोगों को प्रधानमंत्री चाहिए और मोदी जी जैसा हम लोगों को हमेशा मिलते रहे और हम लोगों का देश का विकास करते रहें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष की आए दिन समस्या रही है, राफेल डील और EVM घोटाला, ये होने के बाद भी मोदी लहर वापस दोबारा आ चुकी है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी जैसे सशक्त नेता भारतवर्ष को आज देखने को मिला है। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम क्या कर सकते, जो वो कहते हैं वो करते हैं, ये उनकी खासियत है। इस वजह से 2019 का आज जो इलेक्शन का जो रिजल्ट सामने आया उससे क्लियर पता लग रहा है कि उनकी कितनी पॉपुलरिटी है। तो विरोधी क्या है, कुछ भी नहीं है, तिनके के समान ढह गया, आप सब लोग सामने ही देख रहे हैं। तो नेचुरली आगे के 5 साल जो कार्यक्रम होगा वो तो जनता को पता ही है क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो कहेंगे तो करेंगे, सिंपल बात है। आप अपनी खुशी किस तरह व्यक्त करेंगे? मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष की तरफ से हूँ, वर्सोवा तालुका अध्यक्ष राम शेलर। बहुत ज़्यादा अभी खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुमत से आ चुके हैं। मैं ज़्यादा ये बोल सकता हूँ कि इस बार मोदी सरकार बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। आप सर कुछ बोलेंगे, किस तरह आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? महसूस तो बहुत अच्छी हो रही है, खुशी अच्छी बात है। जो राहुल बाबा ने 72 लाख का जो भीख देने का वादा किया था, वो वादा उनका फेल हो गया और सरकार जीत गई, BJP सरकार, इससे हमें बहुत खुशी है। उनका चोर का नारा सब भ्रष्ट हो गया है, चौकीदार शेर है, चौकीदार शेर है, बोल रहे थे चोर है, शेर चोर नहीं, शेर है, चौकीदार शेर है, चौकीदार शेर है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि 2024 में फिर मोदी जीत के आए, हम सब कार्यकर्ता का यही तमन्ना है 2024 में मोदी जी आए, बस यही तमन्ना हमारा, बस ये 2019 में मारे 2024 में फिर मोदी आएगी। अगला क्या पड़ाव होगा आने वाले वक्त में, अभी क्या अगला पड़ाव ऐसा है कि अभी देश के अंदर जिस तरह से सबका साथ और सबका विकास बोला गया है, तो सबका साथ और सबका विकास के तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी काम करेंगी और नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा है कि विकास होगा तो इस देश का निचले से निचले वर्ग, गरीबों से लेकर, जैसा कि अब की बार कहा गया है कि गांव से जो सुनामी लहर निकली शहर की तरफ, पिछली बार जो शहर से गांव की तरफ था लेकिन अब उल्टा हुआ, गांव से शहर की तरफ जो है BJP का जो लहर जो आई है और लोगों ने गांव के अंदर से समर्थन देके मोदी जी को जिताया और विकास, जिन राज्यों का विकास नहीं हुआ उन राज्यों का विकास होगा और गरीबों का साथ जो है और भी अच्छे से, उनका जो भी उनकी समस्या है उनकी समस्या को पहले देखे जाएंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरह से मोदी जी ने मेहनत की, आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हमारा जनाधार नहीं था, ओडिशा में जनाधार नहीं था और बहुत से नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे वहाँ पे जनाधार नहीं था। उन राज्यों का जो विकास नहीं हुआ था तो उन राज्यों के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया नरेंद्र मोदी जी को कि जिस तरह से बाकी राज्यों का विकास हुआ है तो इस तरह से उनके राज्य का भी विकास होना चाहिए। इसके तहत ही नरेंद्र मोदी जी ने भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूर्ण अपना दौरा करके वहाँ पे लोगों को विश्वास दिलाया कि आप लोगों का भी विकास होगा और विकास के साथ में लोगों की तरक्की होगी और देश जो है आज एक सुपर पावर के तौर पर मोदी जी लेकर आने वाले, दुनिया को बता देंगे कि भाई जिस तरह से हम में जो क्षमता और ताकत है और इसकी ताकत का लोहा जो है दुनिया मानेगी। नहीं नहीं बिल्कुल हमें भय नहीं था, उल्टा जो ममता दीदी है जिसको हम मुमताज कहते हैं, मुमताज दीदी ने ऐसा काम किया वहाँ पे श्री राम बोलने के ऊपर भी उन्होंने लोगों को बोली कि हमें गाली 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 दे रहे हो, जय श्री राम का नारा उसको गाली लगता है, इतना तक उसकी मजाल हो रही है कि लोगों को इस तरह का अपशब्द कह रही है और उनकी एक हिटलर शाही वहाँ पे चल रही है। तो लोगों ने देखा वहाँ पर कि बंगाल की जनता ने कि देश के अंदर हमें जो है एक सक्षम आदमी चाहिए, वो उन्हें नरेंद्र मोदी जी के तहत उनको दिखा और मोदी जी का साथ वहाँ पे हम दो सीटों से आज 15 से 18 सीटें वहाँ पे हम जीतने जा रहे हैं। उनका वो डराने का जो नीति था वो शुरू से ही था, बहुत शुरू से ही उनका ये था कि हम लोग डराने की राजनीति करेंगे और पिछले पंचायत इलेक्शन में हर जगह पे वो लोग डराने की राजनीति किया, लेकिन इस बार अनसक्सेसफुल इसलिए हुए कि इस बार प्लान करके ही बीजेपी गए कि चलो वो लोग अपना काम करने दो, हम अपने हिसाब से जाएं। तो इसलिए मुझे अंदर की बात इतना पता है कि सब लोग पिछले 2-3 साल से इतना फेडअप हो चुके थे कि वो अंदर से तैयार थे कि कभी भी बीजेपी यहाँ आए तो हम उनको वोट देंगे, सिंपल बात है, अभी भी तैयार है, अगले इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, सिंपल। माता की सर, आपको बयान नहीं कर सकते मैं क्या, हमारी यहाँ पूरी फौज सुबह से इतना उत्साह है, मैं सुबह यहाँ 3 बजे पहुँची हूँ और एक आँख नहीं झपकी है क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जल्द सवेरा हो और हम कॉन्ग्रेचुलेशंस के मोड पे उतरे हुए हैं, हमारी विक्ट्री सुबह से, वी आर इन अ कंप्लीट विक्ट्री मोड सिंस मॉर्निंग, वी आर वेरी 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 हैप्पी, हमें मालूम था कि ये होने वाला था बट जस्ट दैट वी वांटेड टू सी द फैक्चुअल्स। सर एक गाना याद आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना है, उससे ज़्यादा भी क्या बोल सकते हैं। एग्जिट पोल्स एग्जैक्टली, और हमें पूरा विश्वास था कि हम लोग इस वक्त इस टाइम हम 2014 के जो हमारे रिजल्ट हैं उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, हमारे मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं था एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है मोदी लहर नहीं इस बार सुनामी है और पिछली बार 282 सीट्स के आसपास हम जीते थे, इस बार हम लोग 300 पार कर चुके हैं और मुझे लगता है 345 जो है NDA पार किया है लेकिन 300 भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर पार कर चुकी है। मुझे लगता है कि उद्धव जी और फडणवीस जी ने यहां पर महाराष्ट्र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, साथ ही साथ हमारे महादेव जानकर जी ने, रामदास आठवले जी ने, इनके वजह से मुझे लगता है कि हम युति जो है 42 सीट्स के आसपास महाराष्ट्र में पार करने में सफल रहे। मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो लोकल बॉडी चुनाव है वहाँ पर भी महानगर पालिका में और सब अन्य पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव ज़रूर होगा। मैं आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने आज बंगाल के रिजल्ट देखे जहाँ पर बीजेपी 2 सीट से लगभग 19-20 तक पहुँची है, तो लोगों ने फैमिली पॉलिटिक्स और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ठुकरा दिया है, आगे मुझे लगता है जाति का भी राजनीति जो है उसको भी लोगों ने ठुकरा दिया है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर आप देखोगे तो यूपी में हुआ है जहाँ पर एग्जिट पोल सारे बता रहे थे कि महागठबंधन 50 के आसपास जीत रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 61 का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है और वो लोग दोनों BSP और समाजवादी पार्टी डबल डिजिट तक भी नहीं पहुँच पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास जो है वही आगे एजेंडा रहेगा और मोदी जी को सशक्त करने में सभी लोगों ने जो हमें मदद किया है, हमें मतदान किया है, हमें जो भरोसा जताया है, मुझे लगता है कि हम उससे पूरा करने में यशस्वी रहेंगे, ऐसी अनुमति मैं व्यक्त करता हूँ आपके यहाँ से। वो गठबंधन था और वो घोटाला बंधन था इसलिए हमें मालूम था कि वो कभी नहीं काम करेगा, पर मैं केवल आज एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये विजय हमारी हर एक कार्यकर्ता उसके
कार्य को लेकर, उसके काम को लेकर, उसका उसके बिलीफ को लेकर हुई है. सो दिस इज़ नेशन फर्स्ट ऑलवेज. इट इज़ विद बीजेपी वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट एंड वी न्यू दैट वी हैव अ लीडर लाइक मोदी जी हु इज़ गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड. सो द इंटायर नेशन हैज़ प्लेस्ड कंप्लीट फेथ इन हिम. मुझे लगता है कि ममता जी ने वहाँ पर प्रशासन का दुरुपयोग किया. उन्होंने योगी जी की रैलियों पर रोक लगाया. मुझे लगता है कि उन्होंने अमित शाह जी की भी काफ़ी रैलियों पर रोक लगाने की कोशिश किया. बंगाल की जनता जो है उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ममता दीदी को जवाब देने का काम किया और आने वाले विधानसभा में जो 2020 में है उसमें उनका सुपड़ा साफ करने का बंगाल की जनता काम करेगी. ऐसी मैं मेरी भावना व्यक्त करता हूँ. हम बता रहे हैं कि हम सुबह से ही हमारी पलक नहीं झप रही है. हम लोग अपने प्रदेश कार्यालय में गए, वहाँ ऑनरेबल सीएम सर आए हैं. हमारा जो उत्साह है वो एक 24 घंटे का उत्साह नहीं है, वो कुछ दिनों तक चलने वाला है. एंड अभी रात को भी हमारे पूरे कार्यकर्ताओं का यहाँ पर एक मिलावा होगा. हमारे आमदार श्री अमित साटम जी ऑलरेडी आदेश दे चुके हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हों. एंड We are very happy with today's victory. यहाँ हमारे साथ दो नगर सेवक थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. वो किस तरह NDA की जीत से खुश हैं और कितना हर्षोल्लास उनके मन में दिखाई दे रहा है. लोग भी यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सभी लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाई. कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं संजीत लहरी, इन 24 न्यूज़.